हमारी साबुदाने की खिचड़ी एकदम बिल्कुल मोतियों के दाने जैसी खिली खिली बनी है। इस तरीके से आप खिचड़ी बनाएंगे तो आपकी साबुदाने की खिचड़ी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और एकदम खिली खिली बनेगी। जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका शानू किचन मास्टर में। साबुदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 चम्मच तेल। इसके अंदर हमने राई डाली है और जीरा डाला है। दोनों को अच्छी तरह से हम चटकने देते हैं। इसके अंदर मैंने 1 तेज पत्ता और 2 लौंग डाले हैं। 1/2 कटोरी मैंने इसके अंदर सिंग दाने डाले हैं। सिंग दानों की हम तेल के अंदर अच्छी तरह से इसकी सिकाई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छी तरह से सिकाई नहीं होगी तो मूंगफली के दाने हमारे कच्चे कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे मूंगफली के दाने अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो जाएंगे। मूंगफली के दाने सिकने के बाद ही हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे। 3 हरी मिर्ची इसके अंदर मैंने काट कर डाली है। मिर्चों को भी अच्छी तरह से हम तेल के अंदर सेक लेते हैं। 4 से 5 मैंने इसके अंदर मीठे नीम के पत्ते डाले हैं और इन सभी को हम अच्छी तरह से इनकी सिकाई कर लेते हैं। इसके अंदर आलू डाल देते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं जिनको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप जब भी साबुदाने की खिचड़ी बनाएं तो आलू बिल्कुल बारीक काट कर डालें। बारीक काट कर डालने से आलू की सिकाई जल्दी हो जाती है और वक्त भी नहीं लगता है। 2 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देते हैं। ढक्कन हटाकर देखते हैं आलू हमारे सिके या नहीं सिके। आलू भी हमारे थोड़े से कच्चे हैं तो इनको हम वापस थोड़ी देर के लिए वापस ढककर रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे आलू सिककर अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। आलू अच्छी तरह सिक जाए उसी के बाद में हम इसके अंदर साबुदाने डालेंगे। आलू हमारे अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर हम साबुदाने डाल देते हैं। साबुदाने को हमने 4 से 5 घंटे के लिए गला दिया था और इसके अंदर से हमने सारा पानी निकाल दिया था। इस तरह से खिली खिली खिचड़ी बनाने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए आप साबुदाने को गला दीजिए और इसके अंदर से सारा पानी निकाल दीजिए। इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए और किसी थाली के अंदर चौड़े बर्तन के अंदर साबुदाने को फैला दीजिए। 2-3 मिनट के अंदर उसके अंदर हवा लगने दीजिए। इस तरीके से हमारे साबुदाने बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे और हमारी साबुदाने की खिचड़ी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और एकदम खिली खिली बनेगी। इसके अंदर डाल देते हैं हम 1 चम्मच शक्कर। 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। 1/4 मैंने हींग डाली है। 4 से 5 मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाला है। सिकारी नमक डाल देते हैं जो हम व्रत में खाते हैं। अच्छी तरह से हम इसको हिला लेते हैं। हमारी साबुदाने की खिचड़ी एकदम बिल्कुल खिली खिली बनी है और इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला है, बिल्कुल मोतियों जैसा। 2 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देते हैं ताकि जो भी इसका कच्चापन हो वो दूर हो जाएगा। तो हमारी साबुदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। इस तरीके से आप इसको व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और नाश्ते में भी कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और इसका दाना देखिए एकदम बिल्कुल खिला खिला बना है और इसका दाना एकदम बिल्कुल इस तरीके से देखिए, मैं दबाकर बताती हूँ, बिल्कुल एकदम नरम नरम है। तो इस तरीके से आप खिचड़ी जरूर बनाकर देखिए साबुदाने की, काफ़ी अच्छी टेस्टी लगेगी और काफ़ी अच्छी स्वाद बनेगी और आपका एक एक दाना साबुदाने का बिल्कुल एकदम खिला खिला बनेगा। वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया डाल देते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।